अगर दिलबरा जिंदा होती तो किसी ने तो उसे देखा होता। नहीं, अगर दिलबरा को कुछ भी हुआ होता तो ये पत्थर देख के मुझे फौरन पता चल जाता दिलबरा जिंदा है। जिंदा है तो कहाँ चलेगी, हवा में गायब हो गई क्या? चलो अभिषेक, एक और बार तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें हवा में गायब कर दूंगा। मेरी बात का यकीन कीजिए आका, ये पत्थर कभी गलत नहीं हो सकता, दिलबरा जिंदा है। तो ठीक है, तुम्हारी कटोरी में देख लेते हैं और इस बात का फैसला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो। यहां पर तो कोई भी नहीं है। दिलबरा को बचा लो जीनू। चलो जीनू जल्दी करो, नहीं तो शोला शैतान उसे लेकर दूर निकल जाएगा। जो हो मेरे आका। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यही रुको, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत खतरा होगा। नहीं, मैं अपनी सहेली के लिए हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकती। इसे चलने दो ना अलादीन, मैं हूँ ना, मेरा मतलब हम है ना, संभाल लेंगे। आका, हमारे पास बात भी करने का वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। ठीक है, तुम भी चलो, चलो जल्दी, चलिए जल्दी। देखा तुमने? देखा नहीं तो अब देखो, तुम दिलबरा को मारने में नाकाम रहे हो। मुझे जवाब चाहिए बताश्तम, दिलबरा जिंदा क्यों है? शोला शैतान ने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं? मैंने उसे मारने का हुक्म दिया था, पता नहीं वो उसे मारने के बजाय कहां उठा के लेके जा रहा है। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, अगर तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इससे पहले कि अलादीन उसे छुड़ा कर ले जाए, जाओ तुम खुद जाकर उस दिलबरा को जून से मोड़ डालो। जाओ अलादीन जाओ, अपने इलाज की फिराक में तुम दिलबरा तक भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी हर कोशिश नाकाम कर दूंगा। जीनू, तुम फिक्र मत करो, हम दिलबरा को सही सलामत वापस ले आएंगे। वो शैतान दिलबरा को अपने महल में ले जा रहा है का? शुक्र करो कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, तुम्हें देखते ही मैंने अपना इरादा बदल दिया। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें भी शोला शैतान बना दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे।
नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। शोला शैतान के आग के गोले को तो मैं बर्फ का गोला बना दूंगा। बस एक बार मेरे सामने आ जाए। ए जादुई कालीन, और तेज चल, और तेज। अलादीन के इलाज की सबसे ज्यादा फिक्र जीनू को है। रात होने वाली है आका, मुझे चिराग में जाना होगा। ये कालीन आपको महल में ले जाएगी। ठीक है जीनू। चिल्लम शेख, आका का ख्याल रखना। जारा जी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अलादीन के तो बहुत सारे शौक है, कभी वो शेर बन जाता है तो कभी हाथी। बेचारी डर रही है। डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगा, दोस्त है मेरा। मुझे नफरत है ना, तो मुझे मार दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार, एक बार मेरे आँख की मदद तो कर दो। इसे अपनी गलती सुधारने के लिए मेरी महबूबा दिलबरा को मेरे पास लाना होगा। दिलबरा तुम्हारी कब से होगी? खबरदार! हमें उस हैवान अलादीन को पकड़कर हर हाल में मार गिराना है। मार गिराना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये काला कबाली जिनकी पहाड़ी लगती है, सुना है वो बहुत खतरनाक है। वो देखो, मार डालो उसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरा सदका तोड़ दिया। खबरदार, जो काली पहाड़ी की तरफ मुड़कर भी देखा, एक एक को बाहर डालूंगा। अब हम उस हैवान अलादीन को ढूंढेंगे कैसे? वहां पर जाना तो अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। मेरे पास एक रास्ता है। चलो, हम अलादीन की मौत की खबर लेके महल वापस चलते हैं। और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो हम सब उसे मार डालेंगे। चलो। वो देखो, चला शैतान का महल। मेरी बात मानो अलादीन, तो सुबह तक यहीं पे रुक जाते हैं। ये जगह, ये रास्ता मुझे तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। नहीं जुनेद, हमें अभी आगे बढ़ना होगा। हमारे पास रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं है। दारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनेद। सुबह होते ही चूल्हा शैतान उसे अपना जैसे बनाकर उससे शादी कर लेगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। जारा जी कह रही है तो ठीक है। ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे है अलादीन। मेरी बनाई गई दो जंगली रूहें तुम्हें उस दिलबरा तक पहुंचने नहीं देगी।
ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। ऐसा लग रहा है मैंने कहा ऐसा है थोड़ी ना। चलो कुछ नहीं जुनैद। नहीं नहीं अलादीन, यहाँ कोई है, कोई तो है। डरो मत जुनैद, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं कहाँ डर रहा हूँ, वो तो अलादीन डर रहा हूँ। नहीं मैं कोई नहीं डर रहा, चलो। तुम फिक्र मत करो दिलबरा, सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसे क्या हुआ, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ कितना रो रही है। लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरा मतलब है अपने आका से ज्यादा इस दिलबरा की फिक्र है। जब से चिराग में वापस आए हो उसे ही देख रहे हो। एक बार अपने आका का भी तो हाल देखो। उन्हें देखकर क्या होगा माकू, खतरे में तो मेरी दिलबरा है ना। जीनू, तुमने क्या इस लड़की के पीछे अपने होशो हवास पूरी तरह गवा दिए हैं? वैसे भी तुम सबको इसे कबाली के हवाले करना है, याद है ना या भूल गए? मुझे सब याद है। वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। इतना कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो फिर तुम उसे अपने भाई के हवाले कैसे करोगे? क्योंकि मैं अपने आका के लिए कुछ भी करूँगा। क्या उन्होंने मिले इतना कुछ किया है, ये तो उसके सामने बहुत छोटी सी कुर्बानी है माकू, बहुत छोटी सी कुर्बानी। अलादीन, मैं कह रहा हूं यहां पर कोई ना कोई है। कहां जा रहे हो तुम? चलो हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। Yeah.
मुझे मारोगे? मुझे मारोगे तो तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, और तुम्हारे दोस्त को मरते मैं उड़न चौप। मैं भी डूबा था क्या? जारा जी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम चलो यहाँ से, और वैसे भी सुबह होने से पहले हमें महल के अंदर पहुँचना है। चलो जुनैद, चलो उठो। इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं, तो ये पुल पे चढ़ के तो मेरा क्या हाल होगा? तुम्हें क्या हर बात से डर लगता है जुनैद? नहीं नहीं मुझे कहाँ लगता है, मैं तो बस अपने लिए थोड़ा ना कह रहा था, मैं आपके लिए कह रहा था, आप थोड़ा पुल है ना घबरा जाएंगे। जुनैद इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है फिर इसी पुल से चलते हैं। चलो मेरे साथ। ठीक तुम्हारे महल के बाहर आ पहुंचा है। मैं सब जानता हूं। और फिर भी तुम यहीं खड़े हो, उसे रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। नीचे मत देखो, आगे देख कर चलते रहो।
मीरा को पकड़ो।